नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। इंदौर और भोपाल में गुरुवार से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। अब दोनों शहरों में पुलिस के मुखिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्थान पर पुलिस आयुक्त होंगे। यह प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 17वां राज्य है। इससे पहले देश के 77 शहरों में पुलिस को न्यायिक अधिकार दिए जा चुके हैं। दोनों शहरों में पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रियल शक्तियाँ और कानून व्यवस्था से जुड़े अन्य अधिकार दिए गए हैं। ये कलेक्टर के पास होते हैं। धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि निकालने के लिए अनुमति अब पुलिस आयुक्त के स्तर से दी जाएगी। पहले ये सारे अधिकारी कार्यपालिक दंडाधिकारी यानी तहसीलदार से लेकर अनुविभागीय दंडाधिकारी के पास थे। जिला बदर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई भी पुलिस करेगी। पुलिस आयुक्त पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को बनाया जाएगा। गुरुवार को गृह विभाग ने पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 नवंबर को आबादी और भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया था। शिवराज सिंह ने इस बार राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाकर इसे अंजाम तक पहुंचाया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज का दिन पुलिस के लिए ऐतिहासिक है। पुलिस को वो सभी अधिकार दिए गए हैं जो कानून व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखने के लिए आवश्यक हैं। पुलिस को पेरोल पर छोड़ने, गैर कानूनी जहर या एसिड बेचने पर कार्यवाही करने, वेश्यावृत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने, प्रतिबंधित संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियों से रोकने, वाहनों की गति को नियंत्रित करने सहित विभिन्न धाराओं में मजिस्ट्रियल शक्तियां दी गई हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने, नागरिकों की सुरक्षा के साथ अपराधी तत्वों पर कठोर अंकुश के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली अधिक प्रभावी होगी। भौगोलिक विस्तार और तकनीक से उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था को देखते हुए आयुक्त प्रणाली लागू की गई है। इससे भयमुक्त वातावरण बनाया जा सकेगा। अब कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर लाठीचार्ज करने, शांति भंग होने की आशंका पर धारा 144 लागू करने या दंगे के हालात पर कर्फ्यू लगाने जैसे फैसले के लिए पुलिस को SDM या कलेक्टर की ओर नहीं देखना होगा। पुलिस आयुक्त मौके पर ही इसका निर्णय ले सकेंगे। नई व्यवस्था में पुलिस आयुक्त के पास अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के सारे अधिकार होंगे। पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के लिए भोपाल और इंदौर के नगरी थाना क्षेत्रों को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया गया है। भोपाल में 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 18,86,000 और इंदौर में 21,93,000 है। भोपाल में 38 और इंदौर में 36 थाने पुलिस आयुक्त के अंतर्गत आएंगे। इंदौर में कुल 36 थाने हैं। कोतवाली, MG रोड, तुकोगंज, संयोगितागंज, छोटी ग्वालटोली, पलासिया, विजयनगर, MIG, लसूड़िया, खजराना, कनाडिया, तिलक नगर, परदेसीपुरा, हीरा नगर, आज़ाद नगर, तेजाजी नगर, राव, बाणगंगा, जूनी, इंदौर, रावजी बाजार, भंवरकुआँ, सराफा, पंडरीनाथ, छत्रीपुरा, मल्हारगंज, सदर बाजार, एरोड्रम, अन्नपूर्णा, राजेंद्र नगर, द्वारिकापुरी, चंदन नगर, गांधीनगर, महिला थाना, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना, यातायात थाना, अपराध थाना। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में पुलिस आयुक्त के अधीन पुलिस प्रशासन रहेगा। पुलिस आयुक्त पुलिस महानिदेशक के सामान्य नियंत्रण एवं परिवेक्षण में रहेंगे। जेल में बंद कैदियों को पेरोल पर और आपातकाल में पेरोल बोर्ड की अनुशंसा पर सशर्त छोड़ा जा सकेगा। गैर कानूनी जहर या तेजाब रखने अथवा बेचने वालों की तलाशी से बरामद जहर या तेजाब जब्त किया जा सकेगा। वेश्यावृत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और इस पेशे में धकेली गई महिलाओं को मुक्त कराया जा सकेगा। इन्हें संरक्षण में भेजा जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। वाहनों की पार्किंग अथवा उनके रुकने के स्थान स्थानीय अधिकारियों से समन्वय करने निर्धारित किया जा सकेंगे। वाहनों की गति सीमा निर्धारित की जा सकेगी। लोक सुरक्षा के हित में या उनकी सहूलियत के लिए किसी सड़क या पुल की स्थिति को देखते हुए वाहनों की अधिकतम गति निर्धारित करने के लिए उपयुक्त ट्रैफिक साइन लगाए जा सकेंगे। यातायात प्रतिबंधित करने या फिर सशर्त अनुमति दी जा सकेगी। आम जनता को कानून के प्रति विश्वास और कानून का आम जनता के प्रति सुरक्षा का एक उदाहरण मध्य प्रदेश लगातार पेश कर रहा है और उसी तारतम्य में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था, आपने उनकी घोषणा भी सुनी होगी, पुलिस कमिश्नर सिस्टम भोपाल और इंदौर में लागू करने का आज का विषय है। आज का दिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक भी दिन मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और इसका आज 9 तारीख को 9 दिसंबर आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।